स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 17 होगा क्लास 10 ओपीएस मैथ्स क्लासेस में। क्वेश्चन पढ़िए अच्छी तरीके से। व्हाट इज गिवन इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए किसकी प्लानिंग हो रही है? प्लांटेशन करेंगे, मतलब प्लांटिंग करेंगे ट्रीज की, ट्रीज लगाएंगे। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम, जो सेक्शन है उतने ही विल बी द सेम एज द क्लास। जैसे क्लास फर्स्ट है तो एक ट्री लगाएगी, सेकंड है तो दो ट्री लगाएगी, थर्ड है तो 3 ट्रीज लगाएगी। तो दैट इज सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। तो फर्स्ट वाली जो क्लास है वो कितनी ट्रीज लगाएगी? देखो यहाँ पर एक तो आपकी फर्स्ट क्लास हो गई, सेकंड क्लास हो गई, थर्ड हो गई और फोर्थ हो गई और डॉट 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 लास्ट में कहाँ तक क्लासेस जा रही हैं? 12 तक। तो फर्स्ट क्लास कितनी लगाएगी? 1 ट्री और दूसरी सेकंड, ये 3, ये 4 डॉट डॉट 12 क्लास कितनी ट्रीज लगाएगी? 12। क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट, क्लास फर्स्ट ने 1 ट्री, सेकंड ने 2, थर्ड ने 3, फोर्थ ने 4 डॉट डॉट 12th ने कितने? 12 ट्री। देयर आर 3 सेक्शन, टोटल सेक्शन कितने हैं? 3 हैं। तो जो आंसर आएगा उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, हाउ मेनी ट्रीज, तो सम निकालने के इसमें क्या निकालने पड़ेंगे? हाउ मेनी ट्रीज के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको बोलो? सम निकालना पड़ेगा SN, तो SN निकालना पड़ेगा। इसमें जो फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका? फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस अगले में से पिछला कम कर दो, 2 में से बन गया 1, तो एक का ही डिफरेंस है। और ये AN है ना, ये AN का भी काम करेगा और उसका भी काम करेगा, AN का भी काम करेगा। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई है? 12। कितने सेक्शन है आपके पास? 12 है, तो n इज इक्वल टू 12। और लास्ट वाली क्लास कितने प्लांट प्लांटेड कर रही है? 12। तो ये AN का भी काम करेगा इस केस में और n का भी काम करेगा। तो SN निकाल दो, SN इज इक्वल टू n/2। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, तो इससे क्या आंसर आएगा? n की जगह 12, n कितना है? 12, फर्स्ट टर्म 1, AN 12। Have you got it? ये आपका 6 आ गया, ये 13 कितना आ जाएगा? 78 आएगा। टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन, कितने सेक्शन है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा? 234 trees were planted by 12 classes and 3 sections. This is your final and correct answer. I hope ये आपको समझ में आया होगा। अब हम move करते हैं question number 18 की तरफ। Question number 18. A spiral is made up of successive semicircles. Semicircle से बनी है। With center alternative at A and B starting with the center at A. पहले जो A आपकी स्पाइरल बनेगी, जरा ध्यान से देखिए, ये पहले सेंटर क्या लिया बोलो? A सेंटर लिया, क्या लिया? A, ये A सेंटर पर है, तो A सेंटर पर A क्या बन गया आपका? सेमी सर्कल बना कि नहीं बना? अब यहाँ पर A बन गया A। अब जो है B सेंटर से बनेगा, पहला जो सेमी सर्कल बना है एट ए, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए, पहले ए पर है, फिर किस पर है बोलो? बी पर है। तो ऐसे ये बनता चला जाएगा, ए और बी ऐसे ही सेमी सर्कल्स बनते चले जाएंगे, फिर ऊपर बनेगा, फिर ये नीचे बनेगा, डॉट डॉट ऐसे बनता चले जाएंगे सेमी सर्कल। पहला L1 है, कौन सा है? L1 है, फिर नीचे वाला कौन सा आएगा? L2, फिर ये L3 आएगा।
डॉट डॉट बनते चले जाएंगे सेमी सर्कल्स और स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई, रेडियस पहले वाले की कितनी है आर वन 0.5 सेंटीमीटर और फिर कितनी है आर टू कितनी है 1.0 सेंटीमीटर, आर थ्री थर्ड सेमी सर्कल की कितनी है 1.5 सेंटीमीटर डॉट 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 एस शो ऑन इन फिगर. व्हाट इज द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल्स कितने हैं 13 है, तो एन कितना ले लेंगे आप 13 लेंगे. अब टोटल यहाँ पर क्या निकालना है, टोटल यहाँ पर पूछा है टोटल लेंथ, टोटल क्या पूछी है लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल निकालनी है स्पाइरल्स की इज इक्वल टू एस एन आएगा कि नहीं आएगा, एस एन आएगा. तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो यहां पर आपका पहला 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 पहली डिस्टेंस कितनी होगी, पहली डिस्टेंस होगी पाई आर वन यही होगी, दूसरी पाई आर टू, फिर पाई आर थ्री डॉट 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 13 टर्म्स, कितने टर्म्स हैं 13 टर्म्स. बात समझ में आई, आर तो केवल रेडियस है, हमें डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है डिस्टेंस निकालनी है. तो डिस्टेंस में तो क्या आएगा सर्कमफ्रेंस आएगा, सर्कमफ्रेंस किसका सेमी सर्कल का, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr और आधे का क्या आ जाएगा पाई आर. तो पहले वाला पाई आर वन, फिर पाई आर टू, पाई आर थ्री, कहां तक जाएगा 13 टर्म तक, पाई में से कॉमन ले लो तो क्या बचा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डॉट डॉट 13 टर्म, कितने टर्म 13 पाई आर वन कितना है आपके पास 0.5, फिर कितना है 1.0, 1.5, सो ऑन 13 टर्म, कितने टर्म 13 टर्म. अब पाई, अब यहां पर इस बारे में फॉर्मूला लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, इस बारे में फॉर्मूला लगेगा. तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला n by 2, n कितना आएगा 13 upon 2 into 2a, क्या आएगा 2a, तो 2a यहां पर थोड़ा सा हम इसमें इसी ले रहे हैं, पहले क्या ले रहे हैं एस एन, इसका निकालो 0.5 1.0 डॉट 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 13 टर्म. तो इसमें एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, एन की जगह क्या लगेगा 13, 2 ए की जगह 0.5 प्लस एन 13 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 0.5. देखिए यहां से ये जो आपका ए है ना फर्स्ट टर्म, इस पे क्या है 0.5, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका 1.0 में से 0.5 जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस 0.5 सेंटीमीटर ही आ गया, यहां दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर बढ़ता हुआ चला गया. अब इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करेंगे एस एन 13/2 इनटू इसका करेंगे तो 1.0 आएगा, 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई और ये 12 आएगा और 12 का 5 से कर दो 6.0 आएगा, ये 6.0 आ गया. अब टोटल एस एन कितना आ गया 13/2 इनटू कितना आ गया 7, क्या आया 7. अब आप ये देखिए यहां से टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी पाई भी तो साथ में आएगा कि नहीं आएगा, पाई मल्टीप्लाई हो रहा था पाई और ये कितना आ जाएगा
13 by 2 into 7. अब पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 रख दो, 13 अपॉन 2 इन 7, 7 से 7 कट गया 11, 13 बन जाए 13, 13 बन जाए 13 और 14, ये आपका सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया 143 सेंटीमीटर टोटल लेंथ होगी, किसकी होगी, स्पाइरल जो वायर वायर है ना वो 13 सेमी सर्कल्स बने उनका। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 200 लॉग्स, लॉग्स मतलब वुडन गत्ते हैं, टुकड़े हैं उसके, एन कितना आएगा यहाँ पर 200, क्या आएगा 200 लॉग्स इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम, पहले कितने हैं जरा इधर देखो, पहले बॉटम पहले पे कितने हैं 20, ये जो रो है ना ये 20 है, फिर कितने हैं 19, फिर कितने हैं 18, अब ये जो लॉग्स है ना बॉटम पर कितने हैं 20, फिर दूसरी लाइन में 19, एक कम होता चला जा रहा है, इन हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी रोज, तो एन पूछा है कि नहीं पूछा है, हाउ मेनी रोज, इन हाउ मेनी रोज आर द 20 लॉग्स प्ले एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, टॉप रो में कितने लॉग्स, एक कम होता चला जा रहा है ना 20, 20 के बाद 19, 19 के बाद 18 लाख, तो n निकालो पहले, क्या निकालो यहाँ पर 20 लॉग्स ऐसे n है, टोटल टोटल लॉग्स हो गए, टोटल लॉग्स ऐसे हैं, तो टोटल लॉग्स हैं, ये टोटल लॉग्स हैं, ये लॉग्स हैं टोटल ये हैं, पहला टर्म ये कितना आएगा 20, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 19 में से 20, मतलब a2 माइनस a1 कर दिया तो कितना आ गया माइनस 1, एक लॉग कम होता चला गया, तो इसमें पहले क्या निकालें बोलो, क्या निकालें हम इसमें, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा एसएन से निकालेंगे एन निकालेंगे, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा एसएन इज इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अब हम यहाँ पर एसएन सम 200 रखेंगे, एन अननोन है, एन बाय टू टू ए, ये क्या फर्स्ट टर्म 20 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है कॉमन डिफरेंस माइनस वन, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 400, यहाँ एन ये कितना आएगा 40, माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस एन, माइनस माइनस प्लस वन 400 40 एन, आप यहाँ पर अभी थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करो ये 400 एन इंटू 40 प्लस 1 41 माइनस है, ये ध्यान रखना माइनस 1 का माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो गया, अब ये 400 आ गया, अब 41 एन माइनस एन स्क्वायर, एन का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ हर स्टेप को देखिए एन स्क्वायर इधर ले आओ प्लस का 41 एन माइनस का हो गया प्लस 400, आपने क्या कर दिया एन स्क्वायर इधर ले आए 41 इधर ले आए नेगेटिव हो गया 400, या इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1, बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे डी निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, ए इक्वल टू यहां 1 होगा, बी इक्वल टू माइनस 41 होगा और सी इक्वल टू यहां पर क्या होगा 400 होगा, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी माइनस 41 है 41 ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि नेगेटिव है माइनस 4 ए इज 1 और सी कितना है 400, अब हम आगे की तरफ मूव करने वाले हैं तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे आगे, इसकी मैं डी इक्वल टू माइनस 41 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1681 आएगा, 4 4 1600 आ गया, 1681 में से 1600 जाएगा तो 81 आ जाएगा, ठीक है ना, अब हम यहाँ पर रूट डी निकालेंगे तो रूट 81 और इसको तो डायरेक्ट सिंपल वे से 9 इंटू 9 लिख करके स्क्वायर रूट 9 आ गया, अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे क्या होता है n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये वाला हमने फॉर्मूला यूज कर लेना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे
एन इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है आपके पास माइनस 41 प्लस माइनस रूट ई कितना निकाला 9 टू ए 1, इसे सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 9 अपॉन 2, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो एन इज इक्वल टू कितना आएगा 41 प्लस 9 अपॉन 2 50 अपॉन 2 ए 25 आ गया, कट करके सिंप्लीफाई करेंगे। अब अगेन वी विल टेक माइनस वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो 41 माइनस 9 2, 41 में से 9 जाएगा तो 32 अपॉन 2 इसे कट के 16, तो एन कितना आ रहा है एन इज इक्वल टू 25 और 16 आ रहा है, तो इसमें से कौन सा एन सही होगा ये हम देखेंगे। ये दो आंसर आ गए आपके, ये 25 आ गया और ये 16 आ गया, हैव यू गॉट इट। अब हम देखेंगे ये नंबर ऑफ रोज कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी हो सकती हैं 25 और 16। अब हम ये 25 लगा लेंगे तो a प्लस 24 d होगा, a कितना था जल्दी बोलो, a कितना था 20 था प्लस 4 24 माइनस 1, तो ये कितना आएगा 20 माइनस 24 माइनस 1, ये निगलेक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा निगलेक्ट, लॉस जीरो तो हो सकते हैं, लॉस जीरो से हो सकते नेगेटिव नहीं हो सकते, ये निगलेक्ट करेंगे इम्पॉसिबल है। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, ए 16 निकालो तो ए प्लस कितना आ जाएगा 15 टी, ए इज 20 प्लस 15 माइनस क्या आएगा बोलो डी कितना है माइनस 1, तो 20 और माइनस 15 तो 5 लॉग्स, 5 लॉग्स विल बी इन लास्ट रो, लास्ट रो में कितने होंगे, कितने होंगे 5 लॉग्स होंगे, आंसर चेक कर सकते हो। जो आपकी टॉप रो आएगी तो टॉप रो जो फिनिश होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे 5 लॉग्स होंगे, माइनस 4 नहीं हो सकते, तो n इज इक्वल टू 25 इसे निगलेक्ट कर देंगे और n इज इक्वल टू कितना चलेगा आपका 60। तो अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ये बकेट रखिए, बकेट रखिए, इससे जो पहला पोटैटो है वो कितनी दूर है ये बोलो 5 मीटर, समझ में आया, ये आपकी देखिए ये बकेट है, ये आपकी क्या है बोलो बकेट, ये यहाँ पर इसे पहला जो पोटैटो है वो कितना है बोलो 5 मीटर दूर है, फिर दूसरा कितनी दूर है बोलो 3 मीटर है, फिर कितनी दूर है 3 मीटर है, और ये डॉट 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 चले गए, समझ में आया, ये पोटैटोस यहाँ से उठा करके ये यहाँ से ये यहाँ से ये यहाँ से ये विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्टार्टिंग लाइन, हियर आर 10 पोटैटोस, कितने हैं बोलो 10 है, कितने हैं 10 टर्न्स आ गए 10 पोटैटोस में, तो यहाँ पर आप एक एपी बनाएंगे, क्या बनाएंगे एपी, तो एपी कैसे बनना है, There are 10 potatoes in the line. See in figure. A computer starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back, which it drops in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन, पहला पोटैटो लिया बकेट से पोटैटो तक गए, फिर आए तो कितनी डिस्टेंस चली उसने 10 मीटर, ये जो डिस्टेंस है वो किस में आने वाली है मीटर में, तो पहले के लिए कितना 10 मीटर, और फिर बोलो 5 प्लस 3 8 और वापिस आया 16 मीटर, 5 प्लस 3 8 और प्लस 3 11 फिर वापिस आया 22 मीटर, डॉट 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 कितने बार ऐसा करना पड़ रहा है, कुल कितने पोटैटोस हैं 10 है, तो पहला ये एपी बन गई कि नहीं बन गई,
एटी वैल्यू। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा 10 मीटर और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, अगले में से पिछला कम करो 16 मीटर में से 10 मीटर जाएगा तो कितना आ गया बोलो 6 मीटर, मीटर बाद में लगा देंगे, 6 ही आएगा कि नहीं आएगा, 22 में से 16 माइनस करो कॉमन डिफरेंस विल बी 6 कांस्टेंट, n इक्वल टू कितना है बोलो, n इक्वल टू 10 हैव यू गॉट इट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोलो कंप्यूटर SN, तो SN क्या आएगा n by 2 into 2a plus n minus 1 into d SN 10 नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पोटैटो उठाए उसने, कितने पिकअप किए पोटैटोस 10, तो n कितना आएगा 10, 2 ये विल बी फर्स्ट टर्म 10 n 10 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना है 6, ये इसे डिवाइड कर दो 5 इंटू 10 टू जा 20, 10 माइनस 1 9, 9 6 जा 54, अब ये 5 और ये कितना आया 4, 74 इसे मल्टीप्लाई करो 5 4 जा 20, 7 5 जा 35 2, इतने मीटर डिस्टेंस उसे चलनी पड़ेगी। यहां तक समझ में आ गया बोलो, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कंप्यूटर 370 मीटर, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो इस वीडियो में इस तरीके से हमने आपके सारे क्वेश्चंस कर दिए, कहां से शुरू किए थे हमने 70 80 90 20 इस वीडियो में है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद जय भारत, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।